नमस्कार, सभी का स्वागत है ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। बिहार चलते हैं। बिहार के किशनगंज में आपको बता दें, आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से सभी योजनाओं का उत्कृष्ट कार्य करने वाली यहां की जो है कर्मियों को, यानी कि आपको बता दें कई आंगनबाड़ी कर्मियों को सम्मानित करने का काम किया गया है। आपको बता दें जो आईसीडीएस के निदेशक डॉक्टर कौशल किशोर द्वारा सम्मानित किया गया है। आईसीडीएस की डीपीओ यहाँ की जया मिश्रा ने जानकारी देते हुए कहा है कि आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से जो योजनाएं हैं इनके बारे में धरातल पर आंगनबाड़ी कर्मी पहुंचा रही है, इसी कारण से जो है इनको सम्मान देने का काम किया गया है। तो अच्छी बात है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिए। वहीं डीपीओ ने बताया है कि 1 से 30 सितंबर तक जिले में राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है। पोषण माह में आंगनबाड़ी केंद्रों की में जो है विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने में इस वर्ष किशनगंज का बेहतर प्रदर्शन रहा है। किशनगंज बिहार राज्य में जनपद है, यहाँ की जो है जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई है। चलिए दूसरी बड़ी खबर जानते हैं। आपको बता दें, देश के विभिन्न राज्यों में आंगनबाड़ी केंद्रों की दशा सुधारने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आंगनबाड़ी केंद्रों को धन भी जारी किया जा रहा है। जो आंगनबाड़ी केंद्र चिड़चिड़ दशा में है उनको सुधारे जाने का प्रयास किया जा रहा है। झारखंड के धनबाद से एक खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर 35 जगहों पर नए आंगनबाड़ी केंद्र को बनाया जाएगा। 52 लाख रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। ये सभी आंगनबाड़ी केंद्र झरिया, बागमारा, धनबाद, निरसा प्रखंड में बनाए जाएंगे। एक आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण के लिए 15 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कहीं पर 7.5 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं तो कहीं पर 15 लाख। समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं नई शिक्षा नीति और कहीं ना कहीं प्री प्राइमरी को लेकर सरकार बढ़ावा दे रही है, तो ऐसे में आंगनबाड़ी केंद्रों को भी अच्छा खासा करने का प्रयास किया जाएगा। मतलब ये है कि ज़्यादा पैसा आवंटित करके उनमें व्यवस्थाएँ अच्छी की जाएंगी, तो इसीलिए 15 लाख रुपये यहाँ पर एक आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए बताया जा रहा है। बाकी 35 जगहों पर आंगनबाड़ी नए बनाए जाएंगे। धनबाद से बड़ी खबर देखने को मिल रही है। दरअसल बुधवार को भवन प्रमंडल विभाग ने इसका टेंडर निकाला था और 27 सितंबर तक टेंडर पेपर मिलेगा। अभी 27 सितंबर तो आई नहीं है। वहीं 29 सितंबर को धनबाद थाने में टेंडर पेपर डाला जाएगा। टेंडर की जो शासन की प्रक्रिया होती है वो तो की ही जाएगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि कुछ आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ पर बनेंगे। बात करते हैं दिल्ली में जाने के लिए कौन कौन तैयार है, कौन कौन धरना प्रदर्शन में जा रहा है। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। लगातार आपको बता दें, प्रदर्शन को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। इसके बारे में आपको चैनल के माध्यम से अपडेट मिली रही है। बदायूं उत्तर प्रदेश से खबर है, यहाँ पर आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा की एक मासिक बैठक डेंगवा में आयोजित की गई थी। जिलाध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा है कि भीषण महंगाई में जो पैसा मानदेय सरकार दे रही है बहुत ही अल्प है और प्रदेश सरकार को अन्य जो है राज्यों की भांति आंगनबाड़ी वर्करों को न्यूनतम 10,000 रुपये देना चाहिए, कम से कम ये मांग की गई है। आपको बता दें, ब्लॉक अध्यक्ष भी संबोधन किया और भी अन्य लोग मौजूद रहे। और इसी के साथ ही दिल्ली में 29 सितंबर को होने वाले धरना प्रदर्शन के लिए सभी सक्रिय हो जाएं, तैयारी में भी जुट जाएं। यूपी के कासगंज चलते, यहाँ पर एक बड़ा ही गड़बड़ झाला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें, नौकरी किसी के नाम पर और कर कोई अन्य जो है वर्कर काम कर रही थी। इस मामले में लगातार उत्तर प्रदेश में जाँच का दौर जारी है और चाहे वो बाल विकास विभाग हो या फिर आपको बता दें बेसिक शिक्षा, लगातार जांच चल रही है। अब ऐसा ही गड़बड़ झाला सामने निकल कर आया है। यूपी के कासगंज से एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है। यहां पर आपको बता दें, बाल विकास पुरस्कार विभाग के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती पूर्व में की गई थी। अभी तक इस विभाग में पुष्टाहार में धांधली की शिकायत आ रही थी, तो अब आपको बता दें भर्ती से जुड़ी हुई शिकायत आ रही है। दरअसल पटियाली ब्लॉक की एक आंगनबाड़ी केंद्र में बड़ी बहन की जगह छोटी बहन नौकरी कर रही है, तो इस तरीके का मामला निकल कर आया है। जाहिर सी बात है, मामला सामने आया है तो जांच भी होगी, कार्रवाई भी होगी। बाल विकास परियोजना अधिकारी सतीश चंद के अनुसार, यहां पर लुडैया के आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण के दौरान पता चला कि यहां तैनात आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इरम फातिमा की शादी लगभग 5 साल पहले हो चुकी है। शादी के बाद से वह आंगनबाड़ी केंद्र पर नहीं आ रही है। इरम फातिमा की जगह उसकी बहन अंजुमन अनैतिक तरीके से नौकरी करती पाई गई है। ग्रामीणों से जानकारी करने पर पता चला कि इरम फातिमा की जगह उसकी छोटी बहन अंजुमन नौकरी कर रही है, मतलब नौकरी पर आ रही है। अब जाहिर सी बात है, ये तो बहुत बड़ा जो है अपराध हुआ, बहुत बड़ा जो है आपको बता दें नियम के विपरीत काम हुआ। बाल विकास पुरस्कार विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी कुसुम वर्मा ने बाल विकास परियोजना अधिकारी सतीश चंद्र ने जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की जगह उसकी बहन द्वारा नौकरी करने की रिपोर्ट दी गई है। इसकी जांच भी की जाएगी और इसके बाद सेवा समाप्ति की कार्रवाई भी होगी।
जाहिर सी बात है विभाग को अनदेखे में रखा गया है और निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं जो है बड़ा मामला अब बन चुका है। अब चलिए एक ऐसी खबर आपको बता रहे हैं जो महत्वपूर्ण भी हो सकती है आपके लिए। दरअसल आपको बता दें बाल विकास विभाग ने जो है देश के बच्चों की ऊर्जा, दृढ़ संकल्प, क्षमता और उत्साह का जश्न मनाने के लिए हर साल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का आयोजन करती है। सरकार जो है आपको बता दें ये करती है आयोजन, जिसको PMRBP बोला जाता है और इसमें कोई भी आवेदन कर सकता है। 18 वर्ष से अधिक उम्र नहीं होना चाहिए। साइट भी हम आपको दिखा रहे हैं, अंतिम तारीख जो है नज़दीक है तो जल्दी से आप इसमें करें। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, अप्लाई वही कर सकता है जो असाधारण कार्यों के लिए जाना जाता है। ये आप पढ़ सकते हैं। पुरस्कार की दो श्रेणियाँ हैं, बाल शक्ति पुरस्कार 18 वर्ष से कम आयु के भारतीय नागरिकों को नवाचार, शैक्षिक उपलब्धियाँ, सामाजिक सेवा का कला संस्कृति बहादुरी, खेल में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए प्रदान किया जाता है। और बाल कल्याण पुरस्कार ऐसे व्यक्ति या संगठनों को दिया जाता है जो बाल विकास, संरक्षण या बाल कल्याण में उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं। तो बड़ी बात है, निश्चित तौर पर इसकी अंतिम तिथि भी नज़दीक है। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश शासन। जब मध्य प्रदेश की बात आती है तो आपको दो बातें याद आती होंगी निश्चित तौर पर। दो कौन कौन सी? पहली तो चुनावी बातें और दूसरी चुनावी घोषणाएं। लेकिन अब तीसरी बात कर रहे हैं। जी हाँ, तीसरी बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चुनावी मुद्दे भी तो होना चाहिए। विपक्षी पार्टी जो प्रमुख तौर पर है कांग्रेस, अब इसको मौका मिल गया है। अब मौका मिल गया है तो मौका भुनाने का काम जो है कांग्रेस करेगी ही करेगी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में दो आदिवासी बच्चों की कुपोषण से मौत के मामले में आखिरकार राजनीति शुरू हो गई। मध्य प्रदेश के जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ, जो पूर्व CM भी हैं, इन्होंने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अपने पोषण में लगे हुए हैं, मतलब सिर्फ अपने पोषण में लगे हुए हैं। प्रदेश के बच्चों के कुपोषण से जो मृत्यु हो रही है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। कमलनाथ ने आरोप लगाया है कि शिवपुरी जनपद के पटपरी गांव में दो आदिवासी बच्चियों की कुपोषण से मृत्यु का हृदय विदारक समाचार गंभीर चिंता का विषय बताया है। और इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जो है सरकार को घेरते हुए ट्वीट किया है, CM शिवराज सिर्फ अपने पोषण में लगे हुए हैं और प्रदेश के नौनियाल कुपोषण से मृत्यु का शिकार हो रहे हैं। शिवपुरी जिले के पटपरी गांव में दो आदिवासी बच्चियों की कुपोषण से मृत्यु का हृदय विदारक समाचार गंभीर चिंता का विषय बताया। इसी के साथ ही ये भी कहा, कुपोषण से मृत्यु शासन व्यवस्था पर कलंक के समान है। कुपोषण को लेकर शिवराज सरकार की उदासीनता इस बात से समझी जा सकती है कि पटपरी गांव में आंगनबाड़ी भवन और पोषण आहार वितरण की व्यवस्था तक नहीं है। अब यहाँ पर मुझे एक बात याद आ रही है, आप लोगों को मैं कुछ दिन पहले ले चलूंगा, जब आंगनबाड़ी विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार सामने आया था। मध्य प्रदेश की खबर हमने आपको दी थी, जिसके बाद कहा गया था जाँच होगी। जाँच के बाद क्या हुआ अभी तक पता नहीं चल पा रहा। अब ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है शिवपुरी जनपद की पोरी तहसील के पटपरी गांव में दो कुपोषितों का मौत होने का मामला आया है। तो निश्चित तौर पर आपको बता दें दुखद है, इन बच्चियों को पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराया गया था, लेकिन सेहत में सुधार ना होने पर इनके परिजन घर ले आए थे। इनमें एक बच्ची का वजन 5 किलो और दूसरी का भी 5 किलो 100 ग्राम पाया गया। तो इस तरीके के हालात रहे। खैर, खबर तो दुख की है। कोई भी अगर आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिए। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।